जीरो ठीक है। सही है। कितना था 52 पाँच किलो का दिया है। हर महीने पाँच किलो नहीं देगा ना, लेकिन देखते भाई अगले महीने भी इंशाल्लाह करा लेंगे, जैसा भी रहेगा सामने रहेगा ना जो भी। आपको क्या लगता है हर महीना पाँच पाँच किलो देगा? दे दिया तो बहुत अच्छा है भाई, आठ महीना है 40 किलो ऊपर गया तो 100 किलो हो जाएगा। ये वाले का भी किए थे ना पुण्य, ये बकरा माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, लेकिन देख के लग रहा है। उसको भी दिखा देते ना भाई। हाँ ये भी दिखा देते, और जो नए बकरे आए हैं वो भी दिखा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है इसमें वो बता देंगे, चालू करें वीडियो। हाँ चालू है, लेकिन तो बता देंगे अपन पिछले टाइम की वीडियो जो खान हाँ। भी देखे रहेंगे बकरे देख वो देख लो, मैं तो ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। हाँ, ये बकरा तो मेरे मैं आंखों देख के से बता रहा हूँ कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जी जी भाई बंद कर दो। 59 है। कितना था पहले? नहीं रिवर्स हुआ हुआ। चल फुल ट्रांसपेरेंसी से हम लोग काम करेंगे, भले प्लस माइनस आया, एक किलो माइनस आया एक महीने में, फिर भी देख के तो कम नहीं हुआ है, वैसी ही है, पेटी है, बीमारी कुछ नहीं पड़ा है। खिलाया क्या नहीं अभी? अभी तो मेरे हिसाब से एक क्या मतलब वो ही हुआ है, सेम ही चल रहा है, लेकिन अभी दिखाने के लिए अपन एक किलो रिवर्स हुआ है, रिवर्स हुआ है चलेगा जो है वो है। हाँ नहीं सही है, लेकिन बकरा ऐसा देखने में जाएंगे तो बड़ा ही दिखता है, बड़ा दिखता है। उमर भाई इतनी ट्रांसपेरेंसी दिखाने का रीजन क्या है? मैं लोगों को मालूम पड़ेगा ना क्या होता है क्या नहीं होता है बकरे लोग में, बढ़ता भी है घटता भी है, सब सामने आएगा ना, इसे थोड़ी ना हर बकरे बढ़ते ही है। सही है, उम्र जो जर्नी है वो लोग की है। अभी जैसा मेरा वो बड़ा वाला बकरा है, अगले महीने उसका एक बार वेट करके बता दूंगा मैं क्या आया, और जो मेरा पर्सनल दूसरा कोटा है वो भी बता दूंगा क्या, वो मेरा खुद का होने के बाद भी कभी कभार हो जाता है धोखा। सही है, एक उसने 5 किलो दिया, इसने 1 किलो माइनस दिया, अभी कौन सा लेंगे? आपका ले लो, ये दो बकरे जो है नए आए हाँ ले लो ना, उनका भी तो एक आइडिया लग जाएंगे। उसका बराबर है बाद में करा ले भाई। हाँ चलेगा वैसा कुछ मस्त। कितना लग रहा है उमर भाई? ये 46-45 तक कुछ आया। इतने बड़े बड़े बकरे 46-45 लगते हैं, 50 के ऊपर का दिख रहा है ये। अब देखते भाई जो भी है सामने रहेगा। आपकी तरह ना बकरे बहुत बड़े दिखते हैं, लेकिन वेट करने जाएंगे ना तो बकरे खुशी से रह रहे, खुल के रह रहे भाई। हाँ एक बात है यार, बकरे सारे खुशी से गर्म भी है और माशाल्लाह मेंटेन भी है फुल। अच्छा हाँ बोला ना 50 पार दिख रहा है मेरे को, 52 पे आ रहा है। 15 दिन पहले की कितना 21 तारीख को तो आया है भाई ये बकरा। अच्छा कितना दिन हुआ है बकरे? 51.3 पकड़ेंगे इसको, ये 46 पे आ रहा था। हाँ 15 दिन पहले तो आया था, 46 पे आया था, सामने लो कस्टमर को वीडियो भेजा मैंने। हाँ हाँ बराबर सही बात है, 46 से बताया था। तो मतलब पेटी खाली होगी बकरे की? अभी भी एक अनाज बाकी है इसका ना, अभी तो रात का अनाज बाकी है ना, हरी पत्ती अनाज बाकी है इसका। अच्छा रिजल्ट दिया मतलब, इसने कितना प्लस 5 किलो पकड़ू? 5 किलो ऊपर ही आ रहा है ना, जो भी वो खाना खाया वो है। बड़े चालाक बकरे हैं आपके इधर के, छोटे छोटे बकरे है लेकिन काफी चालाक है। इसमें भी ये अल्हम्दुलिल्लाह 5 किलो का रिजल्ट आया, ठीक है चलेगा, अभी और बकरा लेंगे। ये कितना लग रहा है उमर भाई आपको? ये रहेगा भाई 65-60 तक रहना चाहिए। 65 लग रहा है मेरे को, देखते ये बकरे का पूरा ये किया है कंजेस्टेड। 60 आया, 60 आ रहा है, 60 कितना था ये? सिक्सटी का आया था तो मतलब इसमें कुछ नहीं आया, इसमें कुछ नहीं, उसकी पेटी वैसी थी तो वही है, लेकिन दिख रहा बड़ा दिख रहा है, लेकिन बड़ा दिख रहा है। अभी समझ लो अनाज जाएगा तो वो 61-62 तक जाएगा, अभी पानी हो जाएगा। सही है,
देख आप, तो फ्रेंड्स यही मैं बताना चाहता हूँ, ये फुल ट्रांसपेरेंसी करने का यही रीज़न है कि हर एक बकरा रिजल्ट देना ज़रूरी नहीं है। कोई कोई बकरा देखे आपने उमर भाई के इधर 5 किलो का रिजल्ट दिए, कोई कोई बकरे ने 1 किलो माइनस का रिजल्ट दिए और कोई कोई बकरे ने सेम ही रिजल्ट दिए। सो अनाज तो उमर भाई सारे बकरों को सेम जाता रहेगा, तो फिर ये रीज़न क्या हो सकता है वेट किसी का बढ़ने का और किसी का घटने का? रहता है कोई कोई बकरा, कोई कोई अभी जैसा 5 किलो बढ़ गया तो अगले महीने कुछ नहीं देवे, वो 1 महीने में बढ़ गया है फिर अगले महीने रुक जाएगा, तो ये बार ग्राफ के ऐसा चलते रहता है। हाँ, ऊपर नीचे होते रहता है भाई, तो चलते रहता है ना। हाँ सही है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी दिखाने का रीजन है कि हर एक बकरा लेवल अप पे नहीं चलता है, जेनेटिक्स पे भी चलता है। लोगों की जर्नी सब लोगों को मालूम पड़ेगी, अपने इंशाल्लाह अभी सीरीज ही चलेंगी हमारे चैनल पे, तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा खास गोल्ड फार्म पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हर एक बकरा दिखेगा, जो भी नया बकरा यहाँ पे भेजेगा उसका भी बकरे का हम लोग फुल डिटेल दिखाएंगे, बकरे दिखाएंगे और क्या है क्या नहीं है सामने सामने बताएंगे। सही है, ये जो नए नए बकरे आए थे हम चाहते थे कि नए जितने आए ना पहले उनका एक बेस बना के रखे, फिर बाद में इंशाल्लाह जैसी जर्नी चलेगी अगले महीने लोग देखेंगे वो बकरा बड़ा नहीं बड़ा जो भी रहेगा सामने रहेगा। सही है, माशाल्लाह आप सारे बकरे देख सकते हो, ये बकरे ने अच्छा माशाल्लाह रिजल्ट दे दिया है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ भी इसका कवर करेंगे, बोर का भी अच्छा रिजल्ट लिखा है लेकिन अपने ने इसको कवर किए नहीं थे, नहीं बोर का बताया नहीं थे। अच्छा हुआ है, देख के लग रहा है अच्छा हुआ है, अच्छा हो गया। ये सोजत का बहुत अलग स्ट्रेटेजी चलती है, बाकी सोजत की मेरे हिसाब से लगता है ना भाई हड्डियाँ थोड़ी सी कोटा और मालवा के मुकाबले थोड़ी हल्की होती है ऐसा लगता है। पिछले मेरे पास भी सोजत था जो पाला था वो बहुत बड़ा दिख जाता लेकिन वेट उसका फिर भी कम आता था, उसकी पेट वेटी बहुत बड़ी थी लेकिन वेट फिर भी 75-80 तक का वो बकरा 78 पे था। सही है, ये वाला दिखाने का क्या नहीं, ये बकरा अपन बाद में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। सही है, और ये जो दो है बरबरे माशाल्लाह ये तो अभी ऐसे ही देख लो, इसका रिजल्ट दिखा के भी वो मतलब नहीं है भाई, अभी तो ऐसे चल रहे हैं। बस यही बताने का रीजन है कि हम सारे बकरे दिखा रहे जो भी बकरे खान गोट फार्म पे, ये तो बकरी बेचारी सो भी रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी करो वो पिछले साल से आराम। लेकिन एक बात बताओ ना उमर भाई, मैंने काफी सारे फार्म पे काफी सारे कुटे देखा, आपका कुटा मुझे अलग क्यों लगता है भाई? थोड़ा तरीके से बनाए जो आदमी ने अपने काम करे, वो चाचा ने क्या तरीका है, वो मिस्त्री है असल में, तो उनको मैंने बता दिया था कि बकरा किसको टच नहीं हो गया ऐसा नहीं हो, तो उनने उन लाइन लेवल से वैसा काम करके एक एक भी बम्बू अगर देखा जाए ना, देखा जाए तो बम्बू इधर से उधर भी नहीं, एक भी बम्बू है ना मतलब ये नहीं है, पूरा एक बम्बू से कवर करेंगे तो पीछे के बम्बू भी कवर होते हैं, कवर होते हैं माशाल्लाह बहुत तरीके से बनाया, लेकिन तरीके से काम हुआ है भाई। और वो ऐसा भी नहीं कि भाई बकरा मारेगा तो टूट जाएगा, वो दो दो फुट अंदर है सब, आना बहुत क्वालिटी में काम किया है लेकिन। और इतना कोई बड़ा मेंढा वेंडा आ गया, कोई बड़ा बकरा आ गया तो फिर अपन वो कूटा मार देंगे। अभी इसमें आप कौन से बकरे की पलाई नहीं ले रहे हो, मेंढे की ले रहे हो? मेंढे भी ले रहे लेकिन मेंढे में इतना शौक नहीं है, और बकरियों की तो नहीं ले रहा हूं, नहीं ले रहे ना, मेंढे एक बार आ गए तो मेंढे रख लूंगा, मेंढे का है थोड़ा शौक नहीं, बकरियों में जरा भी इंटरेस्ट जरा भी नहीं, बकरियों का नहीं लेंगे, खस्सी का लेंगे जो अपनी पर्सनल है वो, खस्सी का खस्सी भी ले लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कूटा है तो खस्सी ना भेजे वो अच्छा है, क्योंकि अंडुल में अच्छा अंडुल दे तो मजा भी आएगा पालने। हाँ, और मुमरा में ज्यादा करके ट्रेंड अंडुल का ज्यादा चलता है, क्योंकि खस्सी कूटे पे बांध के, क्योंकि वो खुले पलने वाले जानवर है, बड़े बड़े बाड़े है किसी फार्म वार्म के, वो बड़े बाड़े में खुल के रहते वो अच्छे से रहते। सही है, इनका काम माशाल्लाह मैं बता दूं, उमर भाई का काम लिमिटेड है, लिमिटेड शोक करते हो अपने हिसाब से, शोक करते देख सकते हो जितने कूटे है उतने ही बकरे वो रखेंगे, और उनके अल्हम्दुलिल्लाह उतनी कैपेसिटी हाल फिलहाल में 2022 की इतनी है, इंशाल्लाह आगे जाके जैसे एक्सटेंड होगा बढ़ा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह हर एक बकरे पे आप रिजल्ट देख सकते हो, और उनका बकरा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश है भाई, कोई भी ऐसा डाउन बकरा नहीं, अगर डाउन रहेगा तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप अपने आपके सामने कोई बकरा डाउन नहीं है, सही है। और इंशाल्लाह हम ये सीरीज चालू करेंगे हर 15 दिन में अपन, इंशाल्लाह लोगों के सामने भी आएंगे, जो बकरा जैसा रहेगा वो बता देंगे, बता देंगे। ठीक है, चलेंगे उमर भाई, और कुछ बताना चाहते हो? नहीं नहीं भाई, बाकी का कुछ रखते लोगों के लिए आगे भी। सही है, चलेगा, मैं वीडियो एडिट करते थैंक यू।